Hi everyone, today I am going to discuss next lecture of interview question of casting. अब तक हमने 30 question complete कर लिया था casting का, आज हम लोग next question discuss करने वाले हैं. इसके पहले हमने welding का भी series complete कर लिया है, जो भी student welding का interview question नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिएगा. उसका link मैं वीडियो के लास्ट में या फिर बेल आइकन पे प्रोवाइड करा दूंगा. उस सीरीज़ का आप चाहें तो वहाँ पर उसको एक्सेस करके आप देख सकते हैं. टोटल हमने 150 वेल्डिंग के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू में. मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे. सारे लेक्चर का PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. वेल्डिंग का मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ, कास्टिंग का आपको जल्द ही मिल जाएगा. उसको आप लोग देख कर डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, बिकॉज रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं वो अगर माइंड में रहेगा तभी वहाँ पर आप इंटरव्यू में इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे और राइट आंसर वहाँ पर कर पाएंगे. तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, व्हाट इज़ पोरिंग टेम्परेचर. पोरिंग टेम्परेचर क्या होता है? पोरिंग टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर आप मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं. द टेम्परेचर एट विच मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू मोल्ड कैविटी. जिस टेम्परेचर पर मोल्टन मेटल को हम लोग पोर कर रहे हैं मोल्ड कैविटी में, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो पोरिंग टेम्परेचर है. तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड मेटल इज पोर्ड इनटू मोल्ड कैविटी, उसी को हम लोग बोलेंगे पोरिंग टेम्परेचर है. इट शुड बी मोर देन मेल्टिंग टेम्परेचर. ये जनरली मेल्टिंग टेम्परेचर से हाई होना चाहिए, कुछ डिग्री हाई होना चाहिए, जिससे कि हमारा मोल्टन मेटल इजिली वहाँ पर फ्लो कर पाए. उसका भी रीज़न देखेंगे आगे क्या क्या इशू होता है. पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देने से क्या इशू होता है और पोरिंग टेम्परेचर लो होने से क्या होता है. तो सबसे पहले पोरिंग टेम्परेचर का आपको डिफिनेशन ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेक्ट्स ड्यू टू हाई पोरिंग टेम्परेचर. अगर पोरिंग टेम्परेचर को हम लोग बहुत हाई कर देंगे, मान लीजिए मेल्टिंग टेम्परेचर कुछ है 1000 है मेल्टिंग टेम्परेचर, अब इसको हम लोग बहुत हाई कर देंगे, इसको 1500 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तब क्या इफेक्ट होगा. अगर पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तब क्या इशू होने वाला है. तो अगर बोरिंग टेम्परेचर हम लोग बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तब वहाँ पर गैस डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं. बिकॉज पोरिंग टेम्परेचर हाई होने से वहाँ पर जब मोल्टन मेटल इन करता है मोल्ड कैविटी में, तो काफ़ी ज़्यादा गैस वहाँ पर रिलीज होगा, जो कि वेपर के फॉर्म में वो बाहर जाना चाहेगा. बट वहाँ पर अगर प्रॉपर वहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है, वेंट नहीं है, या फिर परमेबिलिटी नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा गैस बनने से वहाँ पर गैस ट्रैप्ड हो जाएगा तो वहाँ पर गैस डिफेक्ट वहाँ पर हो जाएंगे. तो इसलिए पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं रखते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर से जनरली 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग लिटिल बिट हाई रखते हैं. तो पोरिंग टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने से गैस डिफेक्ट होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरिंग टेम्परेचर अगर लो कर देंगे, बहुत ज़्यादा अगर नहीं दे पाए, मान लीजिए मेल्टिंग टेम्परेचर के आसपास ही रख दिए पोरिंग टेम्परेचर, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी फ्लूडिटी जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी. मोल्टन मेटल की फ्लूडिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो वो इजिली फ्लो नहीं हो पाएगा, और फ्लो नहीं हो पाएगा बीच में ही वो कहीं सॉलिडिफाई हो जाएगा. वो मोल्ड कैविटी को कम्प्लीटली फिल नहीं करेगा और बीच में ही वो सॉलिडिफाई हो जाएगा. इसलिए पोरिंग टेम्परेचर ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, मतलब जितना सफिशियंट है, मेल्टिंग टेम्परेचर से कुछ डिग्री हाई होना चाहिए वो. तो क्या डिफेक्ट होगा, पोरिंग टेम्परेचर लो होने से मिश्रण होता है, कोल्ड शंट होता है. ये दोनों डिफेक्ट जो होता है फ्लूडिटी लो होने की वजह से. फ्लूडिटी क्यों लो होती है? बिकॉज उसका पोरिंग टेम्परेचर लो हो जाता है. पोरिंग टेम्परेचर लो होने की वजह से वो बीच में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जो उसकी फ्लूडिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है. तो मिश्रण और कोल्ड शंट डिफेक्ट होता है. तो ये जो दो डिफेक्ट बताया हूँ, एक हाई पोरिंग टेम्परेचर की वजह से गैस डिफेक्ट और एक लो पोरिंग टेम्परेचर से मिश्रण कोल्ड शंट, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस. अगर आप लोग कास्टिंग बता रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कास्टिंग के टाइप आपको बताना है. तो कास्टिंग को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड जनरली करते हैं. एक होता है एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग और सेकंड होता है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. एक्सपेंडेबल जिसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके मोल्ड को ब्रेक कर लेते हैं और फिर नया कास्टिंग करना है तो हम लोग फिर से वहाँ पर कास्टिंग करते हैं, फिर से हम लोग वहाँ पर मोल्ड बनाते हैं. और परमानेंट मोल्ड मतलब वो मोल्ड बना हुआ है ऑलरेडी और उसी में हम लोग बार बार कास्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, फिर उसी मोल्ड में हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं. तो क्या क्या टाइप है वो देख लेना है हम लोग को. एक्सपेंडेबल मोल्ड में सबसे फर्स्ट है सैंड कास्टिंग, जो कि काफ़ी फेमस है. उसके बाद है शेल मोल्डिंग से क्या बनता है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, वैसे आगे मैं आप लोगों को कराऊंगा. इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फुल मोल्डिंग, ये जो है वो एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग का है. यहाँ पर हम लोग मोल्ड को ब्रेक कर देते हैं. सैंड कास्टिंग, शेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एंड फुल मोल्डिंग. फुल मोल्डिंग जहाँ पर
प्लास्टिक का हम लोग वहाँ पर मोल्ड प्लास्टिक का पैटर्न बनाते हैं, और वो पैटर्न को जैसे ही हम लोग लिक्विड वहाँ पर फिल करते हैं, वो प्लास्टिक का पैटर्न जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आता है, डाई कास्टिंग आता है, स्लस कास्टिंग आता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है, नेम क्या क्या है। एक्सपेंडेबल मोल्ड में क्या क्या है, सैंड कास्टिंग है, फिर शेल मोल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, फुल मोल्डिंग है। उसके बाद परमानेंट मोल्ड में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, डाई कास्टिंग है और स्लस कास्टिंग है। तो ये हम लोग मेनली नाम देख लिए हैं, नेम देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि कास्टिंग में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कास्टिंग भी होते हैं, वो उनका नाम आपको बताना है कौन कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप का। सबसे फर्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, उसके बाद स्लस कास्टिंग है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ये भी स्पेशल कास्टिंग के अंदर आता है, स्लस कास्टिंग है, डाई कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है और शेल मोल्डिंग है। तो इन सबको स्पेशल क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर सरफेस फिनिश बेटर होता है एज कंपेरिजन टू सैंड कास्टिंग के। फिर हम लोग यहाँ पर कम्प्लेक्स शेप भी बना सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ कास्टिंग है, सरफेस फिनिश बेटर है, फिर कम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं, फिर मास प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है सैंड कास्टिंग से। तो आपको नाम ध्यान में रखना है कुछ का यहाँ पर, बिकॉज आपको बोला जा सकता है कि स्पेशल कास्टिंग के 4-5 स्पेशल कास्टिंग का नाम बताना है। तो कौन कौन सा बता देना है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, स्लश कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और सेल मोल्डिंग। उसके बाद फिर इसमें इसमें भी वेरिएशन है, बहुत सारे टाइप्स है, आगे हम लोग देख लेंगे। डाई कास्टिंग में कौन कौन सा होता है, ग्रेविटी डाई होता है, प्रेशर डाई होता है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूजिंग होता है। तो जो जो वेरिएशन है वो आगे हम लोग देख लेंगे। फिर है व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्पेशल कास्टिंग। स्पेशल कास्टिंग का नीड क्या है, क्यों नीड पड़ा इसका, ऑलरेडी हमारे पास सैंड कास्टिंग था। तो बिकॉज सैंड कास्टिंग से हम लोग मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट नीड तो हो गया मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन सेकंड नीड क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम्प्लेक्स शेप ज़्यादा हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो सेकंड नीड हो जाएगा कम्प्लेक्स शेप, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। थर्ड नीड क्या हो जाएगा, सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश उसमें ज़्यादा बेटर नहीं होता है, तो सरफेस फिनिश हम लोग यहाँ पर बेटर मिलने वाला है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ नीड आपको ध्यान में रखना है फॉर मास प्रोडक्शन के लिए, गुड सरफेस फिनिश के लिए और कम्प्लेक्स शेप के लिए हम लोग स्पेशल कास्टिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद वाई इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। जैसा कि हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हम लोग करते हैं वो एक तरह का स्पेशल कास्टिंग है, जिसमें हम लोग वैक्स पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं, क्या यहाँ पर रीज़न है इन्वेस्टमेंट बोलने का। तो इन्वेस्टमेंट बोलने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर हम लोग वैक्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ पैटर्न, पैटर्न बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ इसका वैक्स का पैटर्न बनाते हैं, वैक्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं पैटर्न बनाने में, और उस पैटर्न को फिर हम लोग पैटर्न के हेल्प से हम लोग वहाँ पर कोटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर उसका एक तरह का वहाँ पर कोटिंग कर रहे हैं वैक्स के ऊपर। वैक्स के ऊपर कोटिंग करने के बाद फिर उस वैक्स को मेल्ट करके हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, जिससे कि हमारा मोल्ड कैविटी प्रिपेयर हो रहा है। तो इस मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग वैक्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उस वैक्स को मेल्ट करके रिमूव कर लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है। वैक्स इज इन्वेस्टेड टू प्रोड्यूस पैटर्न, पैटर्न को प्रोड्यूस करने के लिए वैक्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड देन इट इज़ मेल्टेड, उसके बाद फिर इसको मेल्ट कर लिया जाता है एंड रिमूव्ड टू प्रोड्यूस मोल्ड, उसके बाद फिर मोल्ड कैविटी को प्रोड्यूस करते हैं वैक्स को रिमूव करके मेल्ट करके। तो यहाँ पर मेनली होता है कि वैक्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैटर्न बनाने के लिए, और उस पैटर्न बनाने के बाद फिर वहाँ पर हम लोग प्रॉपर कोटिंग देकर हम लोग को मोल्ड कैविटी बनाते हैं, उसके बाद फिर वैक्स को रिमूव कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम इन्वेस्टमेंट पड़ा। अब एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का एप्लीकेशन आपसे पूछ ही देता है। तो इसका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का एप्लीकेशन आपको बताना है गैस टरबाइन ब्लेड बनाने में और डेंटिस्ट टूल बनाने में। गैस टरबाइन ब्लेड बनाने में और डेंटिस्ट टूल बनाने में, तो दो टाइप का आपका सफिशेंट है यहाँ पर, दो एप्लीकेशन, गैस टरबाइन ब्लेड और डेंटिस्ट टूल। अगर आप लोग और भी सर्च करना चाहते हैं तो नेट पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कोटिंग ऑन वैक्स पैटर्न इज प्रोवाइडेड बाई। जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में वैक्स पैटर्न होता है, वैक्स पैटर्न पर जो हम लोग कोटिंग करते हैं वो किस मटेरियल का होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे वो सिलिका फ्लोर होता है। अगर सिरामिक के बारे में बात करें कि इसमें कौन सा होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इथाइल सिलिकेट होता है। सिलिका फ्लोर तो उसको बोलते ही हैं, बट अगर प्रॉपर नेम आपसे पूछेगा तो बोलना है कि इथाइल सिलिकेट है वो।
कौन सा कोटिंग होता है, जो वैक्स पैटर्न पर कोटिंग हम लोग करते हैं वो कौन सा कोटिंग होता है, वो इथाइल सिलिकेट का होता है जिसको हम लोग सिलिका फ्लोर बोलते हैं, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसमें हम लोग बार बार डीप करते हैं। तो कोटिंग क्यों करते हैं, कोटिंग इसलिए करते हैं कि हम लोग को पैटर्न के हेल्प से हम लोग को मोल्ड प्रिपेयर करना है। पैटर्न तो है ही बट हम लोग को मोल्ड बनाना है, तो उस पर प्रॉपर कोटिंग कर देंगे तो वहाँ पर मोल्ड बन जाएगा। मोल्ड बनाने के लिए हम लोग वहाँ पर कोटिंग करते हैं, और वो कोटिंग किसका होता है, इथाइल सिलिकेट, एक तरह का सिरामिक होता है जो सिलिका फ्लोर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग व्हाट इज अस्टकोइंग, अस्टकोइंग क्या होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पैटर्न पर हम लोग क्या करते हैं, सिलिका फ्लोर का कोटिंग करते हैं। तो वही कोटिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग स्टिकोइंग बोलते हैं। तो स्टिकोइंग क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग द रिक्वायर्ड थिकनेस। जितना हम लोग को थिकनेस वहाँ पर कोटिंग का रिक्वायर्ड है उसको गेट करने का, मतलब एक उसको मतलब ऑब्टेन करने के लिए एक प्रोसेस होता है। बार बार हम लोग डीप करते हैं सिलिका फ्लोर में ताकि हम लोग को प्रॉपर जो थिकनेस का रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए, उसी प्रोसेस को बोलते हैं वो स्टिकोइंग है। तो आप लोग देख लेते हैं, हम लोग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ सिलिका फ्लोर कोटिंग ऑन अ वैक्स पैटर्न। जो वैक्स पैटर्न होता है, वैक्स पैटर्न को बार बार हम लोग, सिलिका फ्लोर होता है वो एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसमें हम लोग डीप करते हैं बार बार। डीप करके जो हम लोग को चाहिए वहाँ पर प्रॉपर थिकनेस, प्रॉपर थिकनेस जो कोटिंग का हम लोग चाहिए वो ऑप्टेन करते हैं। ऑप्टेन करने के बाद जो हम लोग को मिलता है, जैसे कि हम लोग मोल्ड कैविटी बन जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वो अस्टकोइंग है। जो हम लोग बार बार डीप कर रहे हैं, बार बार रिमूव कर रहे हैं, डीप कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, जब तक हम लोग को प्रॉपर रिक्वायर्ड थिकनेस मिल ना जाए, तो उसी को बोलते हैं स्टकोइंग है। तो इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आप लोग को रिविजन के लिए क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज अ टाइप ऑफ, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो होता है वो किस टाइप का है, ये एक परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है या एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग है, ये आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताना है। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है अगर, तो उसका राइट उसका उसका वो आप लोग वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप रिविजन पर्पज़ के लिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज रिविजन करेंगे तभी वहाँ पर आप राइट आंसर सही बता पाएंगे, और विद इन 1 or 2 लाइन्स में आप राइट आंसर वहाँ पर बता पाएंगे। बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है इंटरव्यू में, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर, सटीक आंसर आपको बहुत ही मिनिमम टाइम में देना पड़ता है। तो इसलिए आप रिविजन करेंगे तो राइट आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।